कैसे हो दोस्तों, मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट जो ज्योग्राफी का लेक्चर चल रहा था, वो समुद्र हम पढ़ रहे थे, और समुद्र के अंतर्गत जलमंडल जो था हमारा, उसमें हम हाई टाइड पढ़ रहे थे, ज्वार एवं भाटा। और ज्वार एवं भाटा जब हम देख रहे थे, तो मैंने आपको केवल इतना बताया था कि ज्वार और भाटा जो है, इसके विषय में कई सिद्धांत दिए गए, पर मैं एक सिद्धांत को लेकर आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, वो न्यूटन का संतुलन का सिद्धांत। संतुलन का सिद्धांत, और इस सिद्धांत के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक जो उनका सूत्र है, उस आधार पर कैसे उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार आते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है, उसके अनुसार एक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित करता है और दूसरा पिंड पहले वाले पिंड को आकर्षित करता है, और यही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो ऐसा ही कुछ उसने ज्वार भाटे के संबंध में बताया, और उसने बताया कि जहां पर एक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित करता है, वहां पर प्रत्यक्ष ज्वार आता है। मान के चलो ये चंद्रमा है, चंद्रमा, और यह हमारी पृथ्वी, और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो क्षेत्र चंद्रमा के सम्मुख आ रहा है, मुख के सामने आ रहा है, तो उस क्षेत्र में चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस क्षेत्र को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और ये आकर्षित होने वाला क्षेत्र अगर पानी है, तो पानी ऊपर की ओर उठता है और प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण उठता है। तो इस प्रकार के भाटा ज्वार को कहा जाता है प्रत्यक्ष ज्वार। क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष ज्वार। और जब ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, क्योंकि पानी जब इस ओर आकर्षित होगा तो स्वाभाविक रूप से इस ओर बढ़ेगा, तो ये क्षेत्र और उस क्षेत्र में क्या होगा? पानी की कमी आएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा? भाटा। और जब चंद्रमा के आकर्षण बल की जगह पर पृथ्वी के अपने अपकेंद्रीय बल के कारण, क्योंकि पृथ्वी भी क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है चंद्रमा को, तो उस अपकेंद्रीय बल के कारण विपरीत दिशा में आने वाले ज्वार को, अपकेंद्रीय बल के कारण विपरीत दिशा में आने वाले ज्वार को अप्रत्यक्ष ज्वार कहा जाता है। यहां तक के मैंने आपको कल बताया, और यही बात संतुलन के सिद्धांत में न्यूटन साहब के द्वारा कही गई थी। अब जो ये ज्वार भाटा रहते हैं, कई प्रकार के होते हैं। अब ये कई प्रकार के ज्वार भाटा होते हैं, तो हमें उन कई प्रकार के ज्वार भाटा में हमें ये तो पता चल गया कि चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के कारण कहीं ना कहीं पृथ्वी पर क्या आते हैं? ज्वार एवं भाटा आते हैं। पर आपको ये भी पता है कि ये हमारा सूरज है जो अपने अक्ष पर लगातार घूमते रहता है, ये हमारी पृथ्वी है जो क्या करती है? सूरज का चक्कर लगाते रहती है। ये हमारा चंद्रमा है जो किसके चक्कर लगाता है? पृथ्वी के। तो स्वाभाविक रूप से कभी चंद्रमा, सूरज, पृथ्वी तीनों एक रेखा में हो सकते हैं, कभी चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज ऐसी एक रेखा में हो सकते हैं, कभी सूरज ऐसा हो, पृथ्वी ऐसी हो और चंद्रमा ऐसा हो, तो ये समकोणीय वाली स्थिति बन सकती है। मैं आपको स्थिति बता रहा हूं, एक स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति। ज्वार आते हैं, भट्टे आते हैं, पर वो पूछता है कि चंद्रमा, सूरज और पृथ्वी जब एक ही स्थिति में हो, तो हमें बताइए कि कहां पर ज्वार भट्टा कैसे आएगा, ऊंचा आएगा, नीचे आएगा, आप समझिए। तो ये स्थिति आपको मैंने तक, पहले कौन सी स्थिति? तीनों एक रेखा में हो, परंतु चंद्रमा और जो सूरज है वो एक तरफ हो, पृथ्वी एक तरफ। दूसरी स्थिति, जहां पर चंद्रमा और सूरज दोनों एक एक कोने पर हो और बीच में कौन हो? पृथ्वी। तीसरी स्थिति, जहां चंद्रमा, जहां ये चंद्रमा सूरज दोनों समकोण बनाते हो और इसमें समकोण में एक बिंदु पर हो पृथ्वी। तो इस स्थिति में एक ये भी होता है कि जो चंद्रमा है वो
जो पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है पृथ्वी का, वो पृथ्वी का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार में लगाता है, तो कभी वो चंद्रमा पृथ्वी के बहुत अधिक पास में होता है, कभी बहुत अधिक दूर में होता है। ठीक है, तो आपको मैं एक जनरल सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये चौथी स्थिति मैं आपको बता दी कि चार स्थिति में हम जौहर को पढ़ने की कोशिश करें। आपको मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि चंद्रमा पास में है पृथ्वी की कि सूरज पास में है? चंद्रमा पास में है, तो स्वाभाविक रूप से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूरज की तुलना में पृथ्वी पर ज्यादा पड़ेगा, पृथ्वी पर ज्यादा पड़ेगा। तो मतलब जहां जहां चंद्रमा पृथ्वी के पास में होगा, वहां वहां चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर ज्यादा ज्वार आने की संभावना रहेगी तुलना में सूरज के, क्योंकि सूरज 14 लाख 14 करोड़ किलोमीटर दूर है। स्वाभाविक रूप से उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना इफेक्टली नहीं काम कर पाता जितना चंद्रमा का। तो मतलब आपको मैं यही चीज बताना चाहता था कि आप हमेशा ध्यान में रखिए कि भैया चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वारभाटा आते हैं, परंतु उसमें भी जब चंद्रमा पृथ्वी के पास में होता है और चंद्रमा की इफिशियंसी सूरज की तुलना में ज्यादा होती है, और यही कारण है कि चंद्रमा जब भी ज्यादा दिखाई देगा उस समय में ज्वारभाटा, चंद्रमा के ज्वारभाटा जो रहेंगे उसकी ऊंचाई ज्यादा रहेगी और गहराई भी क्या रहेगी ज्यादा। तो हम एक एक करके कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन, कब ज्वार आता है? पहली कंडीशन, जब सूरज और चंद्रमा और पृथ्वी, ये कौन है? पृथ्वी, जब एक ही सिद्धाई में हो तो चंद्रमा और सूरज दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, जिसके कारण पृथ्वी के मुख्य क्षेत्र पर और विमुख क्षेत्र पर दीर्घ ज्वार आते हैं। मतलब जो ज्वार रहता है उसकी ऊंचाई क्या रहती है? ज्यादा, और ऊपरी क्षेत्र पर भाटे की गहराई भी क्या रहती है? ज्यादा। तो इस स्थिति को कहता है सिजगी की स्थिति, और इस सिजगी की स्थिति में चंद्रमा और जो पृथ्वी, चंद्रमा और जो सूर्य रहता है उनके सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमें दिखाई देता। तो ऐसा ही सेकेंड स्थिति में कहा होता है, जब सूरज देवता पृथ्वी और चंद्रमा ये तीन होते हैं एक ही सिद्धाई में, पर इस समय में भी ज्वार आता है, परंतु ज्वार जो रहता है वो ज्वार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहां पर आता है, और फिर पृथ्वी के अपकेंद्री बल और सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहां पर भी हमें ज्वार दिखाई देगा। यहां पर आने वाले ज्वार की ऊंचाई यहां पर आने वाले ज्वार की तुलना में कम रहती है, क्योंकि चंद्रमा निकट रहता है, और निकट रहने के कारण यहाँ पर जो ज्वार की ऊंचाई रहती है वो क्या रहती है? ज्यादा। तो मतलब इस स्थिति में भी आती है, परंतु ज्वार की ऊंचाई कहाँ पर ज्यादा दिखाई देती है? यहाँ पर जहाँ पर चंद्रमा जो है प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। तो मतलब आपको दूसरी स्थिति भी समझ में आई कि ज्वार यहाँ पर भी आता है। अब आती है तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति यह है कि जब ये सूरज है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा, तो स्वाभाविक रूप से चंद्रमा अपना इफेक्ट डाल रहा है, सूरज अपना इफेक्ट डाल रहा है, तो इस समय में ज्वार आएगा ही आएगा, पानी ऊपर उठेगा ही उठेगा, सूरज के सम्मुख वाले क्षेत्र में भी उठेगा और चंद्रमा के प्रमुख सम्मुख क्षेत्र, परंतु यहाँ पर ज्वार जो आएगा वो दीर्घ नहीं हो पाएगा, दीर्घ ज्वार नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल का बंटवारा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? बंटवारा। और यही कारण है कि यहाँ पर दीर्घ ज्वार नहीं बल्कि लघु ज्वार आएंगे, और ये लघु ज्वार आने के कारण आपको सब जो स्थिति है वो समकोणी स्थिति में दिखाई देगा। तो मतलब जब चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य जब समकोण की स्थिति बनाते हैं उस समय में भी ज्वार आते हैं, परंतु ये ज्वार अधिक ऊंचाई के नहीं रहते, क्योंकि इस समय में चंद्रमा और सूरज के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बट जाता है, और इसी के कारण हमें क्या नहीं दिखाई देता है यहाँ पर?
ज्वार का ऊंचापन नहीं दिखाई देता, अर्थात दीर्घ ज्वार हमें दिखाई नहीं देता। अब एक और समय आता है, चौथी कंडीशन। ये चौथी कंडीशन है जब चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी का जब चक्कर लगाता है तो जब पास में आता है तो स्वाभाविक रूप से दीर्घ ज्वार आएगा, और जब दूर होता है तब स्वाभाविक रूप से कौन सा ज्वार आएगा? लघु ज्वार आएगा। तो उपभू और अपभू इस दो प्रकार के ज्वारों में बटा। ये ज्वार के कई बार बहुत सारे लाभ होते हैं, कई बार लाभ इस प्रकार से होते हैं कि भैया इसके कारण कई सारी दुर्लभ जो मछलियां रहती है वो तट के निकट आ जाती है। आजकल इस ज्वार के माध्यम से ऊर्जा को उत्पादित करने की कोशिश किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? जब समुद्र का पानी आता है तो समुद्र का पानी आने के बाद में उसको पानी को तट के पास में ला दिया जाता है, और आने के बाद में उसे तट को भाटे के समय में रोक दिया जाता है। जब रोक दिया जाता है तो पानी स्टोर हो जाता है, और जब स्टोर हो जाता है तो उसको एक नली के माध्यम से प्रेशर के माध्यम से निकालने की कोशिश की जाती है, और वो प्रेशर टरबाइन पर जाता है, और टरबाइन जब चलती है तो स्वाभाविक रूप से हमें क्या दिखाई देता है वहां पर? बिजली का उत्पादन। तो बिजली के उत्पादन में भी इसका प्रयोग करने की कोशिश किया जाए, मछली के पकड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो भैया ज्वार भाटा एक प्राकृतिक गतिविधि है जो लगातार चंद्रमा और सूरज के आकर्षण बल और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण लगातार पृथ्वी के समुद्र पर आते रहते हैं, ठीक है। परंतु ये कहा जाता है कि पृथ्वी पर आने वाले जो ज्वार और भाटे का जो समय रहता है वो हमेशा सेम नहीं रहता है। सेम क्यों नहीं रहता है? कारण यह है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते 24 घंटे में थोड़ा सा आगे निकल जाता है, और आगे निकल जाने के कारण ही हमेशा जो ज्वार आता है वो चंद्रमा के कारण हमेशा 12 घंटे, क्योंकि 24 एक बार ज्वार आता है एक बार भाटा आता है, एक बार ज्वार आता है एक बार भाटा आता है। तो यही कारण है कि चंद्रमा आगे निकल जाने के कारण राउंड लगाता है वो, और आगे निकल जाने के कारण एक कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर 12 घंटे में आ रहा है, पर दूसरी कंडीशन में वो जब आगे निकल जाता है तो वो यहाँ पहुंच जाता है। इसलिए जो ज्वार रहता है उसका जो समय काल रहता है वो हमेशा निश्चित नहीं रह पाता, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाते लगाते कभी कई बार वो आगे की ओर निकल जाता है। तो ये हमारा ज्वार भाटा था जो हमने न्यूटन के संतुलन सिद्धांत के आधार पर पढ़ने की कोशिश की। अब ये न्यूटन के संतुलन सिद्धांत के आधार पर जब हमने ज्वार भाटे को पढ़ने की कोशिश की तो अब एक महत्वपूर्ण चैप्टर आता है जो समुद्र का एक लास्ट चैप्टर है। परंतु ये ध्यान में रखिएगा, मुझे आपको समुद्री जलधारा का मानचित्र बताना है, तो मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने की कोशिश करूंगा। पर आज आप प्रवाल भित्ति को समझने की कोशिश करें। प्रवाल प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ। कोरल रीफ का बहुत अधिक महत्व है। क्यों महत्व है? तो आप सभी को पता है इनको समुद्री वर्षावन कहा जाता है, और समुद्री वर्षावन मतलब समुद्री जीवों के लिए भोज्य पदार्थ की उपलब्धता इन्हीं के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो ये जो कोरल रीफ रहते हैं ये चूने के पत्थरों में ये लगातार जीव रहते हैं, और सूरज की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, और सूरज की उपस्थिति में स्वयं ये स्वभोजी रहते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, और इनको लगातार छोटे मछली को बड़ी मछलियां, बड़ी मछली को उससे बड़ी मछलियां लगातार खाते रहती है, जिसके कारण कोरल रिफ हमारे लिए समुद्री वर्षावनों के लिए समुद्री जीवों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। परंतु क्या होता है, इनका जो जीवन रहता है वो जीवन वो कुछ कंडीशन पर निर्भर रहता है। अगर वो कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो इनकी मृत्यु, या फिर इनका विरंजन, या फिर इन जीवों की मृत्यु, या फिर इन जीवों का चूने की पत्थर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसे ही कोरल रीफ का विरंजन कहा जाता है। तो क्या हो रहा है वर्तमान में? जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है कि लगातार इन कोरल रीफों का क्या हो रहे हैं, लगातार मरण हो रहा है। तो कुछ ऐसी कंडीशन है जो अगर हम समझ जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से स्थिति अगर समझ जाएगी कि कोरल रीफ को जीवित रखने के लिए कौन सी स्थिति होनी चाहिए, तो आप कोरल रीफ के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हो। तो तापमान बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तापमान होना है ज्यादा, ना तो कम तापमान होना चाहिए
ना ही बहुत अधिक तापमान होना चाहिए समुद्र तट। दूसरी बात, ये सूरज की उपस्थिति में भोजन को ग्रहण करती है, बनाती है, तो स्वाभाविक रूप से सूरज की किरणें जहां तक के पहुंचेंगी वहीं तक के कोरल रीफ पाई जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से अधिक गहराई होनी चाहिए क्या समुद्र की, तो अधिक गहराई में ये नहीं पाई जाती। अधिक गहराई होगी तो इनकी धीरे 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 क्या आने लगती है, मृत्यु होने लगती है। दूसरी बात यह है कि ये सूरज की उपस्थिति में क्या करती है, पानी में उपस्थित जितने भी पोषक तत्व है उनको ग्रहण करती है। तो मतलब पानी ज्यादा शुद्ध होना चाहिए क्या, नहीं, तो ज्यादा शुद्ध ना ही ज्यादा गंदा। अगर ज्यादा शुद्ध होगा तो भोजन नहीं मिलेगा तो भी मर जाएंगे, और गंदा होगा तो स्वाभाविक रूप से जो कण रहेंगे वो इनके मुख पर चिपक जाएंगे, और मुख पर चिपक जाएंगे तो ये खाने के लिए मुख को खोल पाएंगे क्या, नहीं खोल पाएंगे, तो भी इनकी क्या हो जाएंगी, मृत्यु। तो मतलब पानी ना तो शुद्ध ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा शुद्ध, ना ही गंदा या अशुद्ध होना चाहिए। आया समझना, तापमान कैसा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत कम होना चाहिए। गहराई भी क्या नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ना ही कम होनी चाहिए। पानी भी कैसा नहीं होना चाहिए, ज्यादा शुद्ध नहीं होना चाहिए और ज्यादा मटमैला भी नहीं होना चाहिए। लवणता भी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा रही लवणता तो भी ये मर जाते, बहुत कम रही लवणता तो भी ये मर जाते। यही कारण है कि अधिक तापमान होने के कारण, लगातार अधिक तापमान होने के कारण कोरल का क्या हो रहा है, विरंजन। बहुत अधिक गहराई पाए जाने के कारण हमें कभी कोरल रीफ समुद्र की गहराई वाले क्षेत्र में नहीं दिखाई देती, बल्कि तट के सामने दिखाई देती है। बहुत अधिक पानी शुद्ध ना हो और बहुत ही अधिक अशुद्ध ना हो तो आपको कोरल रीफ वहां पर नहीं दिखाई देंगी हमेशा, जहां पर नदी का क्या हो रहा है, निकास हो रहा है। नदी का क्या हो रहा है, निकास आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर पानी क्या रहता है, शुद्ध, क्योंकि नदी का पानी समुद्र के पानी की तुलना में ज्यादा शुद्ध रहता है, तो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। और साथ में वहां पर भी नहीं दिखाई देंगी जहां पर पानी क्या रहता है, गंदा। साथ में वहां पर भी नहीं ज्यादा दिखाई देती जहाँ पानी की लवणता बहुत अधिक ज्यादा रहती है, तो आपको झीलों में जहां पर बहुत अधिक लवणता रहती है वहां पर आपको कोरल रीफ नहीं दिखाई देती। और जब कोरल रीफ नहीं दिखाई देती है तो ज्यादा मछलियों की तादाद भी आपको नहीं दिखाई देती, क्योंकि मछली जो रहती है, छोटी छोटी मछली है, वो किस पर निर्भर रहती है, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति पर। ये जो प्रवाल भित्ति रहती है, ये प्रवाल भित्ति लगातार बनने के कारण कुछ संरचनाओं का निर्माण करते हैं जिसके आधार पर प्रवाल भित्ति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो प्रवाल भित्ति भी अलग अलग प्रकार, प्रवाल भित्ति वैसी रहती, परंतु उसकी जो संरचना बनती है वो संरचना के आधार पर प्रवाल भित्ति को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रवाल भित्ति जो रहती है वो तट के पास में बनती है। वो किसके पास बनती है, तट के पास। तो तट के पास थोड़ा सा दूर में जब बनती है तो पानी को आने से रोकती है, तो इसके कारण इस तट के पास वाली जो भित्ति रहती है इसे कहा जाता है तट, सॉरी, अवरोधक प्रवाल भित्ति। और जब धीरे धीरे पूरे तट को ही घेर लेती तो तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति। और जब पूरे के पूरे द्वीप को ही घेर लेती है तो उसे कहा जाता है एटॉल। क्या कहा जाता है, एटॉल। तो प्रवाल भित्ति की संरचना तीन प्रकार की रहती है, एक अवरोधक रोकती है, पानी को आने से रोकती है, छोटी सी जगह छोड़ती है, और जब पूरा तट ही घेर लेती है उसे तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है। और एटॉल जिसमें पूरा का पूरा द्वीप ही क्या हो जाता है, चारों ओर से घिर जाता है, बीच में पानी, द्वीप, पानी, पानी, द्वीप और प्रवाल भित्ति, इस प्रकार की संरचना बनती है, उसे कहते हैं एटॉल। तो प्रश्न ये है कि भैया ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति है उसको कौन सी प्रवाल भित्ति कहा जाता है, अवरोधक, तटीय या एटॉल। दूसरा प्रश्न, लक्षद्वीप में जो प्रवाल भित्तियां पाई जाती है वो किस प्रकार की है, अवरोधक, तटीय या एटॉल। तो मैंने आपको बता दिया जो लक्षद्वीप है वो पूरी तरह से प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है, और दूसरी बात जो ऑस्ट्रेलिया है उसका जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर जो प्रवाल भित्ति पाई जाती है
वो तट के किनारे पाई जाती है और पूरे के पूरे 2000 किलोमीटर तट के किनारे पाई जाती है, तो वो कौन से नाम से जानी जाएंगी? ये आपके सामने दो प्रश्न हमने रखे। तो भैया प्रवाल भित्ति बहुत अधिक पढ़ना जरूरी है, प्रवाल भित्ति अगर समझ में आएगा, खासकर उसके लिए सूटेबल कंडीशन याद रखिएगा। तो प्रश्न नंबर तीसरा याद रखिए, प्रवाल भित्ति के उत्पादन के लिए कौन कौन सी सूटेबल कंडीशन होना चाहिए, उन सूटेबल कंडीशन को आप लिखिए। तो भैया सूटेबल कंडीशन को लिखिएगा। तो मैंने आपके सामने तीन प्रश्न लिखे और तीनों प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आजकल कमेंट बॉक्स में बहुत कम बच्चे लिखते हैं, पता है एग्जाम आ चुके हैं, पर समय से समय निकाल कर लेक्चरों को कंप्लीट करने की कोशिश करिए, ताकि आपकी पढ़ाई जो है वो लगातार सिविल सर्विस की चलते रहे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत अधिक शेयर करिए, और शेयर करके उन लोगों तक के वीडियो पहुंचाने की कोशिश करिए जो रियल में पढ़ाई करना चाहते हैं परंतु आर्थिक स्थिति के अनुसार वो पैसे देकर पढ़ाई नहीं कर सकते। तो आप उन लोगों तक के वीडियो पहुंचाने की कोशिश करिए। थैंक।